भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और दुर्ग जिला उपाध्यक्ष के एस चौहान ने दुर्ग शहर विधायक और निगम महापौर सहित उनकी परिषद पर शहर में विकास कार्य के लिए मात्र प्रयासरत रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि किसी भी कार्य को बताना जरूरी नहीं रहता, बल्कि उस कार्य को मूर्त रूप देना महत्वपूर्ण होता है। लेकिन दुर्ग शहर पिछले 4 वर्षों से किसी भी कार्य के लिए सिर्फ प्रयासरत रहने की ही बात करते हैं। निगम के लगभग 600 सफाई कर्मचारी अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर थे, जिसकी वजह से निगम क्षेत्र की सफाई व्यवस्था चरमरा गई। उनकी समस्या का समाधान न कर शहर विधायक ने उनकी समस्या को नगरीय निकाय मंत्री को फोन से बताकर इतिश्री कर ली। किसी भी काम को बतलाना जरूरी नहीं रहता, उसे करवाना जरूरी रहता। ऐसा ही हमारे माननीय विधायक अरुण वोरा जी करते रहते, सिर्फ वो प्रयासरत है पिछले 3-4 सालों से। क्या इसलिए 2.5 लाख जनता ने आपको वोट दिया था, आशीर्वाद दिया था और अपना जनप्रतिनिधि बनाया था? अभी हाल ही में 600 कर्मचारी हमारे हड़ताल पे हैं, 60 वार्ड की कार्य ठप पड़े हुए हैं, दूसरे कार्य सफाई ठप पड़ी हुई है। लेकिन वो उन्होंने क्या किया, सिर्फ उन्होंने कर्मचारियों की 8 सूत्रीय मांग को लेकर नगरीय निकाय मंत्री शिव कुमार डहरिया को पहुंचा दिया। करवाना अलग है और पहुंचाना अलग है, बतलाना बतला दिया है। उनका काम सिर्फ इतना नहीं है, करवाने में ही, करवाने के लिए आपको हमारी जनता ने आपको वोट दिया था, आपको जनप्रतिनिधि बनाया है। यही हाल महापौर जी का भी है, नीरज बाग्रीवाल जी और उनका परिषद सिर्फ प्रयासरत है पिछले 3-4 सालों से। ना कोई वो फंडिंग ला सकते हैं, ना कोई कोई काम कर सकते हैं, अच्छे से कर्मचारियों को तनख्वाह भी नहीं दे सकते हैं। ये तो हाल है नगरीय निकाय का। मुझे ये समझ में नहीं आता, क्या वो फंड ला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि राज्य में सरकार उनकी है, विधायक कांग्रेस के, और आप फंड नहीं ला पा रहे हैं, जानबूझ के नहीं ला पा रहे हैं, या फंड आ रहा है और कहीं और जा रहा है। तो प्रयासरत नहीं रहना है और आपको काम करना है जिसके लिए जनता ने आपको चुना है।